नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरु जी में। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज अभी और रेलवे ग्रुप डी के बारे में। फ्रेंड्स, CEN नंबर 02/2018 यानी जो पिछला आपका जो भर्ती चल रहा था, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है, PET फ्रेंड्स चल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी में। दोस्तों, इसका नया रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल दोस्तों आया हुआ है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, पोस्ट प्रायोरिटी को आप दोबारा से चूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करते हों। सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो भी ग्रुप डी के अभ्यर्थी यहां पर हैं और दोस्तों ग्रुप डी में वो सेलेक्ट हुए हैं PET के लिए और DB के लिए दोस्तों वो जा सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये पोस्ट प्रायोरिटी का मौका दोस्तों उनको फिर से मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों अगर गलती से आपने कोई गलत प्रायोरिटी चूज कर रखी थी तो उसको आप चेंज कर सकते हैं DB के समय पर। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ पूरा ऑफिशियल नोटिस दोस्तों, पोस्ट प्रायोरिटी को लेकर कौन सी नोटिस आई हुई है। इसके अलावा PWBD वालों को दोस्तों जो वैकेंसी बढ़ी हुई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कि कितना पहले था और अब दोस्तों कितना हो गया है, सब बातें करेंगे पूरी वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये आपको नोटिस देखने के लिए आपको आना पड़ेगा IRB चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपके सामने ओपन कर दिया हूं। ये आपका फ्रेंड्स IRB चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर दोस्तों आएंगे तो आपको देखिए 28 तारीख में फ्रेंड्स दो नोटिस मिलेंगे। अभी दोस्तों कल का ये नोटिस आया हुआ है अभी, और फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं CEN नंबर 02/2018 का ये भी है और ये भी। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट ऑफ फॉर PWBD कैंडिडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या वैकेंसी रिवाइज्ड होकर यहाँ पर मिल रही है इन कैंडिडेट्स को, दोस्तों कितना इंक्रीमेंट किया जा रहा है उनकी वैकेंसी में, ये आपको दिखाऊंगा टेबल के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका नोटिस जो जारी किया गया है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिर से आपको पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करनी है। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट का जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों कितना रिवाइज्ड वैकेंसी का इंक्रीमेंट है, उसका नोटिस और टेबल दोनों आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा देता हूँ, और फॉर्मेट दोस्तों का क्या आया हुआ है उसको भी यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा दोनों नोटिस पर, दोनों आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे नोटिस के बारे में। देखिए दोस्तों क्या नोटिस यहाँ पे आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से दोस्तों आया हुआ है, CEN नंबर 02/2018। अब देखिए दोस्तों यहाँ पहला पॉइंट, पहला पैरा क्या लिखा हुआ है, RRB हैड नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स इंक्लूडिंग वैकेंसीज ऑफ PWBD। अब देखिए उसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द CEN व प्रोविजनली एंड मे इंक्रीज आर डिक्रीज। दोस्तों ये बता रहे हैं कि मैंने पैरा 1.10 में पहले ही बता दिया था कि जो ये वैकेंसी टेबल है उसको आवश्यकता के अनुसार या फ्रेंड्स दोस्तों अपने अकॉर्डिंग है इसको इंक्रीज आर डिक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर स्टेज आपके एग्जाम के बाद भी ये दोस्तों इनके पास एलिजिबिलिटी होती है, ये दोस्तों अथॉरिटी होती है कि ये इसको चेंज दोस्तों कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, विद रेफरेंस नंबर टू डायरेक्शन इशूड बाई द ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली। दोस्तों हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली के थ्रू देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है, जिसके थ्रू ये आपकी वैकेंसी टेबल दोस्तों इंक्रीज की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 2.0 में क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, रिविजन ऑफ प्रियॉरिटी ऑफ पोस्ट बाई PWBD कैंडिडेट्स एज पर द रिवाइज PWBD वैकेंसीज। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रियॉरिटी ऑफ पोस्ट का दोस्तों रिविजन फिर से होगा, जिसमें आप अपना फिर से दोस्तों प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट टू द रिवीजन ऑफ वैकेंसीज एज मेंशन्ड इन पैरा 1.0 अबव द डिटेल्ड इन द रिवीजन एनेक्सर बी। दोस्तों एनेक्सर बी में आपका पैरा 1.0 में लिखा हुआ था कि आपका जो रिवीजन वैकेंसी है वो जारी की जा सकती है, और दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से जारी किया गया है आपका रिवीजन वैकेंसी, रिवाइज्ड वैकेंसी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे PWBD कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर मेरिट फॉर DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अलाउड टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम एट द DV वेन्यू एट द रिस्पेक्टिव रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। दोस्तों ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको पता होगा कि PWBD वाला को दोस्तों PET नहीं होने वाला है, उनका डायरेक्ट आपका DV के लिए दोस्तों प्रोसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स PET के बाद जब आपका DV का मेरिट जारी किया जाएगा तो आपको डायरेक्टली DV के लिए वहाँ पर कॉल आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग DV कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट फॉर एज मेनी पोस्ट एज दे आर एलिजिबल फॉर। तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें आप पोस्ट प्रायोरिटी फ्रेंड्स फिर से चेंज कर सकते हैं। इन एनी केस कैंडिडेट्स ऑप्शन फॉर वनली फ्यू पोस्ट ही विल कंसिडर्ड वनली फॉर दोज ऑपरेट पोस्ट एंड नॉट फॉर अदर पोस्ट।
और दोस्तों इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, जिस पोस्ट पे जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रायोरिटी वहां पे चूज करेंगे केवल आप वही पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पोस्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपके दोस्तों कनेक्ट नहीं किया जाएगा, वो आपका वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितने भी वैकेंसी आपको आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर वहाँ पर शो करेगी तो उसमें पोस्ट प्रायोरिटी जरूर चूज कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है, तो वो दोस्तों वैकेंसी टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने वैकेंसी टेबल दोस्तों ओपन किया हूँ, ये आपका पहले का है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, किसके किसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, देखिए इसकी बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी जनरल और ये सब दोस्तों छोड़ देते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट सर्विस मैन का है फ्रेंड्स, और इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ट यानी PWBD वालों का फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, VA OHI HH का फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी टोटल मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सीधे एग्रीगेट वैकेंसी की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे 62,907 पोस्ट थे, और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 12,445 पोस्ट दोस्तों ये है, और फिर दोस्तों 62 पोस्ट यहाँ पे है, 316 और 351 पोस्ट यहाँ पे आपको पिछली वैकेंसी में आए, पहले आपका जब फॉर्म आया था तब की नोटिस में आपका दोस्तों ये वैकेंसी शो कर रहा था। अब देखिए दोस्तों रिवाइज वैकेंसी कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने ओपन कर दिया हूँ नई वाली नोटिस जो भी आई हुई है रिवाइज वैकेंसी वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 63,202 वैकेंसी हो गई है टोटल, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 12,504 दोस्तों एक्सपर्ट सर्विस मैन और CCAA का है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 300 पोस्ट थी वो आपके सीए डबल हो गई है, 618 पोस्ट, 616 और 615 पोस्ट यहाँ पे कर दिए गए हैं दोस्तों ये HI LD MD और VI वालों के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 597 पोस्ट, 618, 616, 615, तो लगभग दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पे दोस्तों इंक्रीमेंट की गई है, यानी डबल दोस्तों सीधे आपका हो गया है, 300 समथिंग पोस्ट हैं और सीधे यहाँ पे 600 के आसपास दोस्तों पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी बात है आप सभी के लिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स की जो है आपकी कितनी वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी दोस्तों, इसकी बात तो हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये PWBD वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स नए नए अपडेट्स और हमेशा दोस्तों रेलवे से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आपको आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।